यारो सिंचन के पहले का घर ऐसा और आपका लेटेस्ट घर ऐसा क्यों दिखता है? डोरेमोन के सबसे पहले सीजन को इन सबसे बेकार सीजन क्यों बोला जाता है? कैसे एनिमेशन अच्छा होने के बावजूद भी बर्मन फ्लॉप हो गया था? और ऑगियन द कॉकरोचेस के पहले सीजन में ऐसा क्या ही हुआ था जो सभी इसके तारीफों के पुल बांध रहे थे? आज के स्पॉन्टेनियस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले इवोल्यूशन ऑफ एनिमे एंड कार्टून्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिग्मा मेल सिग्मा सिंचन से। सिंचन पहली बार ईयर 1992 में लॉन्च हुआ था, और वो भी ठीक हर्षद मेहता स्कैम के 10 दिन पहले, यानी कि 13 अप्रैल को। 1992 के सीजन 1 में सिंचन कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता था, एनिमेशन स्टाइल भी काफी अलग थी, और इसकी एज आज के सिंचन से काफी कम लगती थी, बट फिर भी मस्ती पंती में कोई भी कमी नहीं थी। यार इसी टाइम से सिंचन की हरकतें पीक पर थी, चाहे वो अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बम चिक बम बम करना, सिंचन कहीं पीछे नहीं हटता था। अगले 6-7 सालों तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज किया गया। फिर अराउंड 2000 के समय इसको आज के दिखने वाले सिंचन के जैसा थोड़ा बनाया गया, जो कि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा था। और भाइयों, इसी ट्रांजिशन के बीच में कई एपिसोड्स में सिंचन का घर भी बदल गया। जहां उसका पुराना घर कुछ ऐसा फ्लैट जैसा था, वहीं नया वाला घर टिपिकल जापानीज हाउस जैसा दिखने लगा था। यार सिंचन के अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज बन चुके हैं, एंड मैं आपको बता दूं कि हर मूवी में कुछ न कुछ एनिमेशन होता आया है। अब इतने 2D एनिमेशन के बाद फाइनली डोरेमोन का स्टैंड बाय मी डोरेमोन की ही तरह जल्दी 4 अगस्त 2023 को जापान में सिंचन की फर्स्ट एवर 3D मूवी भी निकलने वाली है। भाई अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो ये मूवी इंडिया में भी जल्दी रिलीज हो जाएगी। वैसे इसको सिरोगुमी आईएनसी प्रोड्यूस करने वाली है, जिन्होंने डोरेमोन के इन दो 3D मूवीज को भी प्रोड्यूस किया था। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है? क्या आप स्कूल छोड़कर जा रही है? बर्मैन इसकी पहली एनिमेटेड सीरीज 1967 में निकली थी, जिसे TMS स्टूडियो ने रिलीज किया था। ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज थी, और इसका एनिमेशन आज के एनिमेशन के हिसाब से बहुत ही बेकार था। ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था, और तो और गाइस, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से इसकी आवाज भी काफी बेकार थी। इसके बाद कलर में परमैन हमें 1980 को देखने को मिला था, और वो भी एक स्पेशल एपिसोड में, जिसमें परमैन डोरेमोन और क्यूटारो ने कोलैब किया था। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें परमैन की कॉस्ट्यूम काफी ही अलग थी। और भाई उसके बाद 1983 में फाइनली परमैन का कलर एनिमे आना स्टार्ट हो गया था, जो कि बस 4 ही साल चला, यानी कि 1987 तक, जिसके बाद ही परमैन के मेकर्स की डेथ हो गई थी। गाइस बचपन में जो हम परमैन देखते थे ना, वो इसी एरा का हुआ करता था। और हां गाइस, सैडली इसके बाद परमैन के एपिसोड्स तो नहीं आ पाए, लेकिन 2003 और 2004 में इसकी एक मूवी आई थी, जिसमें भी काफी डिसेंट एनिमेशन था, बट अनफॉर्चुनेटली अब तक वो इंडिया में रिलीज ही नहीं हो पाया है। भाई यार, इसलिए मुझे लगता है कि काश मैं जापान में पैदा होता, पर भाई वहाँ क्या तू सेफ रह पाता? अरे ओ, वो जापान है, चाइना नहीं। वहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का डॉग खाया जाता है, और वो है हॉट डॉग। ऑगी एंड द कॉकरोचेस। यार हमारे बागड़ बिल्ले की शुरुआत 1998 से हुई थी, जिसमें उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा एनिमेशन का यूज किया गया था, और आपने भी कई सारे एपिसोड इसी एनिमेशन से देखे होंगे। फिर 2000 में इसके एनिमेशन को तो इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसके पिक्चर क्वालिटी को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया था। और फिर 2008 में इसकी पॉपुलैरिटी और बजट बढ़ने के बाद इसके एनिमेशन को भी काफी अच्छा कर दिया गया। और गाइस ठीक ऐसे ही 2011 और 12 में इसके एनिमेशन, कलर और सीन्स को एकदम जबरदस्त बना दिया गया था। लेकिन फिर 2016 में एनिमेटर्स ने ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया, जो कि ऑडियंस को उतना भी खास पसंद नहीं आया। और बिल्कुल ऐसे ही 2017 वाला एनिमेशन भी लोगों को थोड़ा सा प्लेन सा लगा था, लेकिन भाई जो एनिमेटर्स ने 2018 में एनिमेशन लाया, उसको व्यूवर्स ने काफी पसंद किया। और अब पिछले साल 2022 में हमारे बागड़ बिल्ले के लेटेस्ट मूवी में 3D एनिमेशन का यूज किया गया था, जो दिखने में काफी कमाल तो था, बट उसमें वो ओल्ड ऑगी वाली वाइब नहीं थी। गाइस इस आइकॉनिक शो की शुरुआत 1973 में हुई थी, उससे पहले डोरेमोन का मांगा आता था, और 1973 में जो डोरेमोन एनिमे रिलीज हुआ था ना, वो बिल्कुल उसके मांगा जैसा ही दिखता था, जिसकी वजह से इनके एनिमेशन में काफी ज्यादा ही इनकंसिस्टेंसी थी, यानी कि डोरेमोन और बाकी कैरेक्टर के शेप सीन के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज होते रहते थे। यार डोरेमोन की ये सीरीज देखने में काफी क्रीपी भी लगती थी, एंड भाई इसमें तो जियान को पूरा गुंडा ही दिखाया गया था, जो इवन अपने डैड को भी पीटता था। भाई ये लिटरली डोरेमोन सीरीज का सबसे बेकार वाला वर्जन था। फिर 1979 में इस शो में एनिमेशन के साथ कई चीजों को इम्प्रूव किया गया, लेकिन इसके बाद भी ये उतना भी अच्छा नहीं दिखता था। इसके कैरेक्टर्स काफी पतले एंड स्लेंडर थे, बट 1979 में ही डोरेमोन एनिमे लोगों के बीच पॉपुलर होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये पिछले वाले डोरेमोन सीरीज के कंपैरेटिवली फनी था, एंड तब तक डोरेमोन के काफी सारे मांगास भी बिकने लगे थे। अब फाइनली आता है डोरेमोन का 90s का फेज, जिसे आप डोरेमोन के गोल्डन फेज की स्टार्टिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि वक्त के साथ इसका एनिमेशन और भी इम्प्रूव किया गया। और यार जो हम डोरेमोन बचपन में देखा करते थे ना, वो यही फेज का था। एंड भाई इसी फेज की 1985 वाली मूवी डोरेमोन नोबिता'स लिटिल स्टार वॉर्स, यार ये तो मेरी फेवरेट मूवी भी है। एंड भाई तुमने भी जो
डोरेमोन के पुराने एपिसोड्स बचपन में पहली बार देखे होंगे ना, वो भी इसी टाइम के थे। डोरेमोन को इम्प्रूव करने का सिलसिला 2000 तक भी चला, जहां एनिमेटर्स न्यू एनिमेशन टेक्नोलॉजी को पहले मूवीज में टेस्ट किया करते थे, एंड अगर वो लोगों को पसंद आती थी तो फिर वो आगे चलकर वो मूवी वाले न्यू एनिमेशन वाले टेक्नोलॉजी को न्यू सीजन के एपिसोड्स में भी यूज किया करते थे। और यार ये तुमने भी गौर किया होगा कि जब भी डोरेमोन या शिनचैन की कोई भी मूवी निकलती है तो उसका एनिमेशन अभी के बन रहे एपिसोड के एनिमेशन से काफी ज्यादा इम्प्रूव होती है। डोरेमोन के इवोल्यूशन में अगला मेन डेट आता है ईयर 2005, जब डोरेमोन में कलर करेक्शन, लाइट सैलेट जैसे फीचर्स को ऐड करके पहली बार उसका HD वर्जन लॉन्च किया जाता है। आप कंपैरिजन के तौर पर इन दोनों बिफोर एंड आफ्टर फुटेजेस को देख सकते हो। अभी इम्प्रूवमेंट्स के बीच में शिनचैन की तरह डोरेमोन के घर को भी चेंज किया गया था, बट अनलाइक शिनचैन इस वाले घर को पूरा चेंज नहीं किया गया था, बल्कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई थी। बाहर से देखने में आपको खिड़कियों एंड दरवाजों में चेंजेस दिख जाएंगे, बट यार बहुत से इंटरनेट सोर्सेज के अकॉर्डिंग नोबिता के पुराने घर में यहाँ पर एक एम्प्टी रूम भी था, जो कि शायद से उसकी दादी का था, लेकिन नए वाले घर में ऐसा कोई भी रूम नहीं होता। अब जैसे जैसे बच्चों के बीच में 3D एनिमेशन का क्रेज बढ़ने लगा, डोरेमोन के क्रिएटर्स ने भी 2014 में डोरेमोन का फर्स्ट 3D मूवी स्टैंड बाय मी डोरेमोन को लॉन्च किया, जिसको गूगल यूजर्स के अकॉर्डिंग 93% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इसके सेकंड 3D मूवी को, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, उसको 91% गूगल यूजर्स ने पसंद किया था। सो यार अब इतने मजेदार इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। 1992, 2005, 2015, अरे भाई माय फ्रेंड, मैं बचपन में बहुत ज्यादा WWE देखता था। मीनवाइल इन माय चाइल्डहुड खूबसूरत लड़की की तस्वीर कवि के नजर में, सितारे जैसी आंखें, नागिन जैसी जुल्फे, हिरनी जैसी चाह। अच्छा मतलब कवि जो इनकी तारीफ कर रहे थे भाई, वो एक्चुअली इनको रोस्ट कर रहे थे। ओ भाई, माई इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश इन माई माइंड, इंग्लिश आई स्पीक, नो इंग्लिश कम टू मी, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश ही तो बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज माई फ्रेंड, डोंट फ्लाई माई जोक, मतलब कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।